जैसे साइन लैंग्वेज में ही बात करोगे क्या? मैं जब तक जागती हूँ आए जब इनको खाना गर्म करके दूँ फिर आंटी भी काम करके जाए उसके बाद में जाके सोती हूँ। तो कल सोने में तो मुझे 4:45 बज गए। तीनों जने काजल मैं हम भी 4:45 बजे सोए, इतना लेट। तो मैं इनके आश्रय बैठी रही तो आज बोले मैं वैसे भी काम से आने वाला हूँ, अगर रेडी होगा तो मैं खा के जाऊँगा, नहीं तो मैं वैसे ही खाऊंगा जैसे 4:30 बजे आता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अभी बना रही हूँ भुगा राइस, फिर फटाफट से इनको आएंगे तो खा के जाए तो फिर काजल और मैं खा के सो जाएंगे थोड़ी देर की, तो फिर आंटी आएगी तो फिर उठना पड़ेगा दोनों को। और क्लाइमेट इतना अच्छा है, बाहर बारिश पड़ रही है, यहाँ पे कल से बारिश है लगातार, बीच में थोड़ी देर बंद हो रही है फिर वापस से बारिश पड़ ही रही है। तो यहाँ पे तो अनाउंस किया है 4 डेज बारिश पड़ेगी, कल पड़ी आज और मंडे तक पड़ने वाली है बारिश। तो यहाँ पे 4 दिनों के लिए बोला है भाई यहाँ पे लगातार बारिश पड़ने वाली है बहुत, कई जगह पानी भी बढ़ गया है, लेकिन हमारे उल्लासनगर में अभी भी थोड़ी ठीक है बारिश, बारिश ज़्यादा होने वाली है। तो पर ये लगातार मौसम इतना ठंडा हो चुका है, बहुत बारिश पड़ के ऐसा लग रहा है मैं सो ही नहीं हूँ, नींद में से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह में आज 11 बजे उठी, अभी ने फोन किया 11 बजे, वैसे 10 बजे फोन करते 10:15 बजे तक, आज भूल गए इन्होंने 11 बजे फोन किया, मैंने बोला हाय 11 बजे उठाए, कभी मैं काम उठा रहा हूँ अभी, तो मैंने वैसे तो आंटी को देरी से बुलाया अब और देरी से उठाएंगे आपको तो और मेरे जान पे काम आ जाएगा, फिर फायदा क्या आंटी को और लेट बुलाऊंगी क्या। बोले भूल गए मैं भी काम में नहीं उठा और मुझे तो ऐसे अंधेरा हो रहा है तो जाग ही नहीं हो रही है बारिश की वजह से, सोए रहे दोपहर और रात को मजा आ रहा है। तो अभी मैं टाइम इसमें तक जल्दी से खाना बना दी हूँ आपको, मिलती हूँ सीधे खाने में तो अभी भी आ जाएंगे। जैसे उस दिन आपको बता रही थी ब्यूटिशियन को बोला कि मैं अपना कलर वगैरह कराऊंगी, तो मैंने कलर भी करवाया है, ब्लीच भी करवाई है, एब्रोज भी करवाए, तो मैं लग रही हूँ ब्यूटीफुल अभी मेरे बाल उस दिन मैंने देखे ब्लॉग में इतने सफेद लग रहे हैं, मैं कैसे लग रही हूँ किचन में खड़े रह रहे के, इनको बोले थी देखो किचन में खड़े रह रहे के पसीने आके इतनी गर्मी में वैसे कैसी हो गई, मेरी शक्ल कैसे हो गई है। तो मैंने करवा दी, मेरी शक्ल अभी मुझे कुछ खास ठीक ठाक लग रही है, नहीं तो ऐसे घर में बैठी थी जैसे दुनिया में कोई काम नहीं करता, एक मैं ही अकेली हूँ दुनिया में किचन में काम करती हूँ और मुझ गली की शक्ल ऐसे हो गई है, तो ऐसा लग रहा था। तो थोड़ी चेंजिंग आ गई तो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है अभी, तो कैसे भी लग रहा था। और ये कुर्ती तो मैंने 6 to 7 years हो गए काजल लेके आई थी मेरे लिए, अभी और काजल, तो ये कुर्ती मैंने आज निकाली है पहनने के लिए और इतनी लॉन्ग है कुर्ती और मिडी में कुछ फर्क नहीं है, लॉन्ग है इतनी, मीन्स अप एंड डाउन है, साइड से अप एंड डाउन ऐसे, तो ये लॉन्ग है तो साइड से ऐसे अप एंड डाउन है ऐसे ऐसे, ये मैंने रख दी थी नहीं पहन रही थी ये, तो वैसे अभी मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो ये मैंने आज पहन ली है, फिर ये भी कैसे लग रही है बताना, ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना मैं तो अभी जल्दी खाना बनाऊँ अभी आ जाएंगे। बोले तू क्या कर रही, तेरा फैशन तो चालू है, मुझे भूख लगी है। अभी आंटी से धुला दिया था मसाले का मैंने, तो इसमें धुला के फिर सब पलटी करके रखती हूँ, सब वीक में एक बार या दो बार तो आंटी से धुला ही देती हूँ फटाफट से जैसे अच्छे से बने रहे। अभी तो बारिश है, बारिश में क्या होता है मसाले मिक्स रखो फिर नमक उसमें गल जाता है बहुत।
अभी बनेंगे 5-10 मिनट में, अभी है तो रेडी हैं, बाकी सब्जी भी रेडी है, बस अटेंशन थोड़े लगा ले रही हूँ। और मसाले भी मैंने पलटी करके रखे, और एज यूजुअल बगैर गिराए मेरे से कोई काम नहीं होता, तो मैंने धनिया गिरा दिया है थोड़ा सा, जो मेरी आदत है वो मैंने कर ली है अभी। तो हमेशा की हैबिट है जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, हमेशा जल्दी में रहती हूँ, जल्दी जल्दी करूँ काम, उसमें नुकसान जरूर कर लेती हूँ मैं। तो अभी थोड़े अटेंशन लगा ले रही हूँ, जब तक राइस बन गए काम उतर गए तो ये भी किचन भी खाली हो जाएगा, फिर आंटी दूसरे धोएगी, फिर दूसरे लगा के जाएगी, तो पूरा दिन बर्तन ही पड़े रहते हैं, ये टाइम पे लगाओ, फिर शाम को आंटी धो के जाएंगी, फिर वो लगाओ, ऐसा हाल है। बड़े बर्तन काजल को दूंगी, छोटे मैं लगाऊंगी, बड़े इधर से काजल लगा लेगी, छोटे मैं। कटोरे हैं वो पहले से ही निकाल के रखती हूँ, अभी आएंगी तो फटाफट खाना लगाऊंगी सोच के। और अभी तक आंटी सुबह से धोके गए बर्तन अभी तक नहीं सूखे, गीले पड़े, कपड़े नहीं सूख रहे, बर्तन नहीं सूख रहे, सब गीला गीला, जो गीला है वो गीला ही रह रहा है इतनी बारिश की वजह से। सोने जा रहे हो, दवाई लग गई हुई है, इतना गैस मेरे को निकल नहीं आएगा। चतर लेकर आऊं, लेकर आती हूं। पीछे साइन लैंग्वेज में ही बात करो क्या? क्या बोला ये? 5:30 बजे उठाना है आपको, साढ़े चार हुए हैं, ऐसे बोलो ना। अभी इवनिंग के 8 बजे हैं और अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है, ब्रेड बटर का टोस्ट बना रही हूँ। तो मैं उठी भी जल्दी, थोड़ी देर ही सोई आज, ये आए फिर आंटी काम करने आए तो अभी भी आ गए थे, आज तो खाना है खा के गए थे जल्दी से, वैसे ये बोलते हैं दुकान बंद करके आऊंगा तभी मैंने सीधा खाना खाऊंगा, बीच में नहीं आऊंगा क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है ना, एडजस्ट नहीं होता है। बट आज वैसे भी काम के लिए आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया आ रहे खाना खाने के लिए, जल्दी खा के गए, फिर सीधा इवनिंग अपना आके सो गए, थोड़ी देर ही सोए फिर मेरी जाग भी हो गई थी, ये आए और आंटी आए फिर काम करने के लिए, तो नींद मेरी खुली ही गई थी वैसे भी, तो जाग ही नहीं हूँ कब से, चाय वगैरह इन्होंने ही बनाई, आज मैंने नहीं बनाई चाय, आज तो इन्होंने ही बनाई, काजल को अभी उठाया मैंने, काजल तो अच्छे से मस्त सोई है इतनी देर, फिर अभी उठाया काजल को, उठ तू चाय पी, तो मैं नाश्ता वगैरह तीनों का साथ में बनाऊ, फिर क्या करना पड़ता है टोस्ट आते में बंद करूँ फिर वापस चालू करूँ, अभी को लगा के दे रही हूँ, फिर काजल और मेरा टोस्ट लगाएंगे, इनको टाइम पे भूख लग जाती है, सब टाइम पे चाहिए। बारिश को बिल्कुल भी शांति नहीं गाइस, कभी से बारिश पड़ रही है, 2 दिन हुए, 4 दिन के लिए बोला है तो कल तो थोड़ी फिर भी ठीक थी, आज थोड़ी ज्यादा बारिश पड़ रही है और कंटिन्यू ही पड़ रही है। सोने के टाइम आफ्टरनून में इतना अंधेरा होके आया था, बहुत अंधेरा, लाइट बंद करके सो दो, इतनी अच्छी नींद आना चाहिए तो भी मुझे नींद नहीं आई, और मैंने हाँ आफ्टरनून में बात नहीं कर पा रही थी कि तो अभी तक मेरे मुंह में शाला है, मैं बोलने में भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेरा जनवरी फरवरी हुई है तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार निकल रहे, बार बार एक निकला कल वो उतर गया, उसको ट्यूब लगाई, मैंने दूसरी मंगाई, जो पहले वाली थी वो उससे फायदा नहीं पड़ रहा था, फिर ये मेडिकल वाले से कल दूसरी लेके आए, उसको फायदा ही नहीं पड़ रहा है तो दूसरा लेके आए, फिर क्या हो रहा है वो लगाई मैं तो सुबह में मेरा उतर गया छाला, मैं बोली फाइनली उतर गया, अभी एक भी नहीं है, थोड़ी देर रखे जैसे मैंने नाश्ता वगैरह खाया उसके बाद दूसरा निकला जीप पे, एक उतरा जीप से तो दूसरा निकला, तो फिर क्या हो रहा है सोने के टाइम पे मुझे वो ट्यूब लगा रही ना, उसके बाद मैं बोलती नहीं, नहीं तो वो क्या निकल जाती है ना, फिर मुझे फायदा ही नहीं पड़ता है टंग में, अगर वो ट्यूब निकल गई ना बोलने से
तो जेल है वो, एक्चुअली जेल बोलते हैं उसे, तो जेल लगाती हूँ तो वो उतर जाती है, उसके लिए मैंने लगा के ऐसे सो जाती हूँ, इन दोनों से ऐसे ही बात करती हूँ मैं शाहू में। तो भाभी का तो रेडी हो चुका है, अभी देख के आती हूँ पहले पहले इनको, फिर हम दोनों खाएंगे। कांदा भजिया हो या पालक के भजिए हो, मस्त मस्त वैरायटीज में खाने अच्छे लगते। और बोला पहले बोलती थी टोस्टा नहीं बनाती थी, आज भजिए बना लेती थी, तो इतनी अच्छी बारिश है। अभी चाय भी बनाई है, तो बारिश में चाय पीने का मजा ही कुछ और है, तो ऐसा लग रहा है चाय पिए ज्यादा, जो इतनी इतना ठंडा मौसम हो गया है।
तो गाइस मैं 12:30 बजे हैं, पहले टाइम ले देख लूं, तो 12:30 बज चुके हैं और आज की टाटा इसी तरह होगी। तो गाइस मैं ये व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल विच इज इंडिया व्लॉगर नीलम अर्जुन नौटंकी। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में ढेर सारी पकाऊ बातों के साथ, ढेर सारी पकाऊ मेरी स्टाइल के साथ, और ढेर सारी ऐसी मेरी कुर्तियों के साथ। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलती हूँ आपसे कल।